हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें हम बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, सो दैट अपनी ज्योमेट्री क्लियर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइंस की। थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे कि लाइंस हैं, तो लाइंस तीन तरह की हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट क्या आता है, पॉइंट। तेरे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, विच हैज़ नो डायमेंशन। पॉइंट क्या होता है, विच हैज़ नो डायमेंशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डायमेंशन की जगह मतलब अपन लिख सकते हैं कि नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यही चीज़ होता है पॉइंट। ठीक है, या फिर इसका काम क्या आता है, पॉइंट कहाँ यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए। टू लोकेट अ फॉर लो किसी पॉइंट को यूज़ करते हैं फॉर लोकेशन। टू लोकेट, किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पॉइंट कैसे होता है, ये क्लियर है। अब सेकेंड चीज़ क्या आती है, लाइन। लाइन क्या होती है, जो दोनों साइड क्या करती है, इनडेफिनेटली इंक्रीज होती है, इनफाइनाइटली इंक्रीज होती है। ठीक है, सो इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। हम बोल सकते हैं कि किड्स का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन किससे बनती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से। किससे बनती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और ये क्या करती है, एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस इनफाइनाइटली या इनडेफिनेटली, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, तो जैसे ये एक लाइन है, ये जो एरो है ना, ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि ये इस साइड भी कितनी भी जा सकती है और इस साइड भी ये कितनी भी इनफाइनाइटली इंक्रीज हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो जैसे ये पॉइंट क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। तो लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, और ऊपर दोनों जगह दोनों साइड एरो लगा देते हैं, सो दिस डिनोट्स आर लाइन। और इस पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से। पी हो गया, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब कोई सा भी एक कैपिटल लेटर ले लीजिए, उससे आप पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ये ए बी एक लाइन हो गई। ठीक है, फिर थर्ड चीज, सेकंड थर्ड चीज़ की बात करते हैं। थर्ड चीज़ क्या होती है, रे। अब रे क्या होती है, जिसे सबने सुना है सन रेज, लाइट रेज। सन रेज को सन रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि वो आ कहाँ से रही है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सन से हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, पर कहाँ जा रही है, एंडिंग पॉइंट पता है क्या हमें, नहीं पता। तो दैट इज वाई दैट इज दे आर नोन एज सन रेज। तो रेज मतलब क्या होता है, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो तो हमें पता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पर कहाँ जा रही है ये हमें नहीं पता। तो जैसे ये पॉइंट तो मुझे पता है स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बट ये पॉइंट नहीं पता है कि ये कितनी दूर तक जा रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये डिनोट करता है कि ये फिक्स है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, इसका एरो का मतलब क्या होता है, ये इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है इस साइड से। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ए बी, और यहाँ पे तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे एरो लगा देंगे। तो ये क्या डिनोट करता है, रे, रे ए बी। यहाँ पे दोनों साइड लाइन एरोस थे, तो ये क्या क्या डिनोट करती है, लाइन। और यहाँ पे एक जगह पॉइंट है, एक जगह एरो है, तो ये क्या डिनोट करती है, रे। नेक्स्ट चीज बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, बाउंड कर दूँ, जैसे ये बाउंड कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ए बी मतलब फिक्स लेंथ कर दी, बाउंड कर दिया मतलब फिक्स लेंथ कर दी ए बी। तो ये जो आपको ए बी मिलेगा, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। मतलब क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क क्या होता है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, ये दोनों साइड क्या होती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है। पर लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक
ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ इज फिक्स्ड, लेंथ इज फिक्स्ड, ठीक है। तो जैसे ये ए से स्टार्ट हो गए, बी पे ख़त्म, ए से स्टार्ट हो गए, बी पे ख़त्म, तो ये क्या हो गई मेरी लाइन सेगमेंट, ये क्या हो गई लाइन, क्योंकि दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, ये एक साइड से एक्सटेंड हो रही है, तो ये क्या हो गई थ्री। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, और इस साइड भी पॉइंट और इस साइड भी पॉइंट, एरो दोनों साइड नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, अगर ये टेन है तो ये टेन है। अब अच्छा, अब मेरे को एक बार बताओ, अगर ये टेन है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए बी इक्वल टू बी ए, क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा, क्या होगा, क्योंकि अगर अपन ए से बी नापें या बी से ए नापें तो आंसर तो टेन ही आएगा, आंसर तो अपने क्या आएगा 10 सेंटीमीटर ही आएगा। पर क्या मैं इसके लिए ऐसा बोल सकती हूँ कि ए बी रे इज इक्वल टू बी ए रे, ऐसा बोल सकती हूँ क्या, नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि यहाँ पे ए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, फिक्स पॉइंट कौन सा है, ए, यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है, ए, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन सा है, बी। तो ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा इन केस ऑफ रे, और लाइन सेगमेंट में ए बी इज इक्वल टू बी ए हम कह सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल्स की, एंगल पता है क्या होता है, एंगल कभी ऐसे तो सबको पता है, बट इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका अपन समझेंगे कि एंगल्स कौन से होते हैं और कैसे हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं अब एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइंस और प्लेन्स, के बीच में भी ये फॉर्म होता है एंगल, टू लाइंस और प्लेन्स, ठीक है, हैविंग कॉमन वर्टेक्स, हैविंग कॉमन वर्टेक्स इन केस ऑफ लाइन, और यहाँ पे प्लेन की जगह एज, कॉमन एज, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में हमारा एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि दो लाइन के बीच में तभी एंगल फॉर्म होगा जब उन दोनों के बीच में क्या हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, पॉइंट, वर्टेक्स मतलब क्या होता है, पॉइंट, और एज मतलब क्या होती है, साइड। तो प्लेन में तो कॉमन एज होनी चाहिए और लाइन्स में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो जैसे ये एक लाइन है या रे है, ठीक है ना, यहाँ पे रेज भी लिख सकते हो, लाइंस की जगह रेज, ठीक है, रेज ही आएगा, लाइंस लाइंस से हटा ही देते हैं, रेज ले लेते हैं, टू रेज, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, टू रेज और प्लेन्स, ठीक है। अब क्या है कि ये दो लाइन, दो रेज है, ये ओ से ओरिजिनेट हो रही है, ओ ए, ओ बी, क्या इसका एक कॉमन वर्टेक्स है, क्या एक कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे एक एंगल 100% फॉर्म होगा, ठीक है। पर क्या इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फॉर्म हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म नहीं होंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर दो लाइन है तो हमें क्या चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब एंगल्स की बात करते हैं, तो कितने तरीके के एंगल्स होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये रहा, जैसे अभी इन दोनों पेंस के पीछे ये आप समझिए, ये दोनों लाइन है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के लाइन के बीच में अभी क्या एंगल चल रहा है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो एंगल है ना, कुछ भी एंगल नहीं है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा, कुछ ये एक्यूट एंगल बन जाएगा। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो ज़ीरो से 90 के बीच में आता है, क्या ये ज़ीरो से 90 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक अगर ये स्ट्रेट हो गया, ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल। राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। अब अगर थोड़ा सा ऐसे चले तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 से छोटा हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 से छोटा हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अपन सब पढ़ चुके हैं ये चीज़, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से 180। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिटा दूँ तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके बराबर होता है, 180 के। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो गया ना, और स्ट्रेट एंगल का एंगल किसके बराबर होता है, 180 के। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे कर दूँ तो
ये क्या बन जाएगा, एंगल यहाँ बन रहा है ना, और एंगल किसके बीच में आ रहा है, ग्रेटर देन 180 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 180 क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है ये, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और अगर ये वापस से यहाँ आके यहाँ मिल जाए, तो इसने ये पूरा कितना कर लिया, कंप्लीट एंगल फॉर्म कर लिया, तो कंप्लीट एंगल फॉर्म कर लिया तो ये कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो रिवीजन के लिए करवाया था ये, ठीक है। तो हमें पता लग गया राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, स्ट्रेट एंगल 180, कंप्लीट 360। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 0 से 90 के बीच में आते हैं, ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं, जो 90 से 180 के बीच में, और ग्रेटर देन 180 वाले रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपने कोर्स की बात करते हैं, जो अपने कोर्स में उसकी बात कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट जो एंगल पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल में, वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सो आर फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स आर, तो अपन इस भी बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की, पेयर ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अगर हम नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो कि एक एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करें। अगर अपन नॉर्मल वे में समझना चाहें, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहें, तो एक एंगल के दो पार्ट, तो वो जो दो पार्ट कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक एंगल है, ठीक है, इसके मैंने कितने पार्ट करे, दो पार्ट कर दिए। तो जैसे ये दो पार्ट किए, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 2, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 2। तो ये जो 1 और 2 कहलाएंगे ना, दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, क्लियर है। अच्छा, अब ऐसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 होती है, पता है। अब इसको अगर ये पूरा एंगल है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, एक एंगल के दो पार्ट करने हैं, तो इस एंगल के भी मैंने दो पार्ट कर दिए, तो ये जो 1 एंड 2 बनेगा ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल ही कहलाएंगे। एक और देखते हैं, जैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना, ऑब्ट्यूज एंगल बना लिया, ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, तो जैसे ये एक एंगल है, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, तो ये दो पार्ट बचेंगे ना, बनेंगे ना 1 और 2, तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो 1 एंड 2 क्या आएंगे अपने, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो हमें अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है, तो एक एंगल लिया, उसके अगर दो पार्ट हो रहे हैं, तो जो दो पार्ट होंगे ना, उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। और अब इसकी अपन लैंग्वेज, अपन पॉइंट्स है कुछ एडजेसेंट एंगल के, उससे समझ लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनको फॉलो करना जरूरी है। तो एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है एडजेसेंट एंगल की, कंडीशंस क्या होती है, सबसे पहले एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, नंबर 1, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, सो दैट इससे समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, तो ये एंगल रहा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है ही। अब कॉमन वर्टेक्स इसको मार्क कर देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है। तो इसका कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है क्या, ये एंगल भी इससे ही बन रहा है और ये एंगल भी इससे ही बन रहा है, तो एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होना जरूरी है, तो दैट इज ओवर हियर। सेकेंड चीज़ क्या है, कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होना जरूरी है, दैट इज दिस इज नोन एज आर्म। ये जो एंगल के जो ये साइड्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं आर्म्स, तो दिस इज नोन एज आर्म्स, ये तीनों दे आर नोन एज आर्म्स। तो देखो कॉमन आर्म मतलब क्या है, जो दोनों एंगल के एंगल में आ रहा हूँ, दोनों एंगल जिसको टच कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो है एंगल 1, ये वाला एंगल 1, ये इस वाली साइड को टच कर रहा है ओसी को, और ये एंगल 2 है, ये भी क्या कर रहा है ओसी को टच कर रहा है, तो मतलब इन दोनों एंगल इस साइड इस वाले आर्म को टच कर रहे हैं ना कॉमनली, तो कॉमन आर्म कौन सा हो जाएगा, ओसी,
तो एक कॉमन नाम होना जरूरी है। थर्ड चीज क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड चीज इंपॉर्टेंट है क्या है, पेयर ऑफ नॉन कॉमन नाम्स ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन नाम, पेयर ऑफ नॉन कॉमन नाम ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन नाम। तो नॉन कॉमन नाम वन का तो ये हो गया ओ ए, और टू का क्या हो गया ओ बी। जो बचे हुए दो आर्म्स होते हैं ना कॉमन नाम के अलावा, देट इज नोन एज अन क्या होते हैं, नॉन कॉमन नाम्स। मतलब ये वन का अकेले का है, ये टू का अकेले का है, ये ओ बी को टू टच कर रहा है और ओ ए को वन टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नॉन कॉमन नाम कौन से हो गए, ओ ए एंड ओ बी। अब बात करते हैं ऑन ईदर साइड की। अब ईदर साइड ऑफ कॉमन नाम का मतलब क्या होता है कि अगर ये कॉमन नाम है तो ईदर साइड का मतलब क्या है कि एक अगर कॉमन नाम के ऊपर आ रहा है तो दूसरा कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अगर एक साइड में आ रहा है तो दूसरा, एक लेफ्ट में आ रहा है तो दूसरा राइट में आना चाहिए। दोनों या दोनों ऊपर नहीं होने चाहिए, दोनों नीचे नहीं होने चाहिए। ईदर साइड का मतलब क्या है कि अगर एक कॉमन आर्म के ऊपर आ रहा है तो एक कॉमन आर्म के नीचे आना चाहिए नॉन कॉमन आर्म। अब ऐसे देखो, इधर ये कॉमन आर्म है तो ये कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में आ रहा है तो दूसरा राइट में आ रहा है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना, ईदर साइड। क्लियर है चीज़। अब कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं कि नहीं है, वो एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके बेसिस पे। तो एक कॉमन आर्म होना ज़रूरी है और एक वर्टेक्स होना ज़रूरी है, कॉमन वर्टेक्स, और एक नॉन कॉमन पेयर ऑफ आर्म्स चाहिए जो कि कहाँ हो, ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो देखते हैं क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल वन और एंगल टू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये नहीं होंगे। अच्छा, क्या ये होगा, ये वाला, ये और ये एंगल वन पूरा, ये छोटा सा है और एंगल टू ये पूरा बड़ा है, क्या ये एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक तो ये अपन ने क्या पढ़ा था, एक एंगल के दो पार्ट, ये तो पूरा एक एंगल हो गया और एक एंगल का पार्ट हो गया, तो ये थोड़ी ना एडजेसेंट एंगल होंगे। या फिर अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे? कि देखो, इन दोनों के कॉमन नाम कौन सा होगा, इसको मार्क कर देते हैं ओ ए बी सी। तो ये वाला एंगल भी इसको टच कर रहा है ओ ए को, और ये वाला भी एंगल ओ ए को टच कर रहा है, तो मेरा कॉमन नाम कौन सा हो गया, ओ ए हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन वर्टेक्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या, अपन ने क्या पढ़ा था कि कॉमन नाम, जो नॉन कॉमन नाम है वो कॉमन नाम की ईदर साइड होने चाहिए, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखें ना, तो ये कॉमन नाम के दोनों जो बचे कुचे जो दो आम है ना, ये कॉमन नाम के दोनों नीचे आ रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अब क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल वन और एंगल टू? ये भी नहीं होंगे, क्योंकि वापस से क्या है, ना कॉमन आर्म है ना कॉमन वर्टेक्स है, तो ये कुछ एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से एडजेसेंट होते हैं कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लीनियर पेयर एंगल की। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, अगर इसको भी अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझे ना, तो अगर दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं तो वो उनका सम किसके बराबर होगा, 180 के, एंड दे आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल। तो अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें, एंगल्स लाइंग ऑन अ सेम ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैविंग कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। ऐसे दो एंगल
जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं और क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। और अगर अपन नॉर्मली इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन क्या कहती है, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऐसे एडजेसेंट एंगल उस सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो एडजेसेंट एंगल की सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेंगे ये, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो बेसिकली हम इस पे ही चलेंगे। अगर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का सम किसके एंगल, स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होती है, एंगल स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एंगल वन और एंगल टू, तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो एंगल वन प्लस एंगल टू, अब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, तो ये कितने भी की भी हो पर सम तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो एंगल वन प्लस एंगल टू किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है, क्लियर है। और क्यों आएगा, इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल, क्लियर है। एक और देखते हैं, जैसे तो हमें सिर्फ इतना से याद रखना है कि दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं और कॉमन वर्टेक्स से निकल रहे हैं तो उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो जैसे ये रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल ये वन है और ये टू है, तो इन दोनों, ये दोनों क्या लीनियर पेयर एंगल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर लाए कर रहे हैं और एंगल वन प्लस एंगल टू किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, तो ये लीनियर पेयर होंगे। अच्छा अब एक और देखते हैं, जैसे ये प्लस बना हुआ है, इसमें मैं मार्क कर देती हूँ 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने लीनियर पेयर एंगल दिख रहे हैं। जैसे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कौन से दो एंगल लाए कर रहे हैं, ऊपर 1 एंड 2, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, लीनियर पेयर होंगे। अच्छा इसी स्ट्रेट लाइन के नीचे भी तो दो एंगल लाए कर रहे हैं, तो इन दोनों का भी सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर ये वाली लाइन देखते हैं, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी लाइन की इस साइड देखते हैं, तो ये दोनों भी तो इसी लाइन पे लाए कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, ये सारे क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल, क्लियर है। तो लीनियर पेयर एंगल क्लियर हुआ आपको। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लीनियर पेयर एंगल पे। जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल निकालना है, इसको x मान लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। क्यों, x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, क्यों होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो ये कितना आ गया, 150, तो ये किसके बराबर आ गया, 150 के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ क्या याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल लाए कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला, ये रहा एक, ये रहा दो, तो ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये 1, 2, 3, इन तीनों का सम भी किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं ना। पर इनका रीज़न अपन लीनियर पेयर एंगल नहीं लिखेंगे, अपन को इसमें रीजनिंग बहुत स्ट्रांग रखनी है अपनी। ये दो एंगल का मैंने लिखा 180, क्यों है, लीनियर पेयर एंगल लिखना है आगे, लीनियर पेयर एंगल। पर इसका मैं लीनियर पेयर एंगल नहीं लिख सकती, लीनियर पेयर एंगल सिर्फ कब कब लगता है, सिर्फ दो एंगल पे, ओनली फॉर टू एंगल्स। अगर टू से ज़्यादा एंगल्स आ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन,
सम 180 के बराबर ही रहेगा, बस क्या होगा रीजन चेंज हो जाएगा. तो लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो जैसे कि मैं ये एक डायग्राम बना रही हूँ, तो ये रहा, ये 30 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा. तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये 30 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये x. तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, सम किसके बराबर होगा 180 के. तो 30 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180. क्यों, लीनियर पर एंगल लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दो एंगल से ज़्यादा है. तो लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो 30 प्लस 50 कितना हो गया, 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस, तो 180 माइनस 80 कितना हो गया, 100. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100. तो मेरा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा. ये चीज़ क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर, लीनियर पेयर पे. जैसे कि अपन को दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन है एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल किसके बराबर है 4x के, एक एंगल है 2x के. तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालना है, फाइंड x निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा. तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम 180. 4x प्लस 2x कितना हो गया, 6x इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लाई में है तो दे आके डिवाइड में, तो 180 बाय 6 कितना हो गया, 30. तो अपना आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री. क्लियर है, एक और करते हैं नेक्स्ट. जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल पी क्यू एस रेशियो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 7:5, फाइंड एंगल एस क्यू आर, ठीक है. तो हमें एक फिगर दे रखा है ऐसा, पी क्यू एस आर, ठीक है. अब हमें क्या दे रखा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का रेशियो क्या चल रहा है, 7:5. तो जब भी रेशियो में गिवन है तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मेरा जो पी क्यू एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7x के, और एस क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, 5x के. 7:5 चल रहा है ना, तो 7 इसका हो जाएगा और 5 इसका. तो 7 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू एस आ जाएगा, तो पी क्यू एस ये रहा, तो ये 7x आ जाएगा, और एस क्यू आर क्या है, 5x हो जाएगा. 5 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ गया, 5x. अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे थे, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180. तो 7x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री. तो 7x प्लस 5x 12x इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180, ये मल्टीप्लाई में तो दे आके डिवाइड में, तो ये कितना आ गया, 15. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15. अब अपन को निकालना है एंगल एस क्यू आर. एंगल पी क्यू एस कितना है, 7x, और एंगल एक्स क्यू आर कितना है, 5x. तो अपन को निकालना है क्या, एस क्यू आर. तो वो 5x के बराबर है, और x की वैल्यू क्या आई है अपने पास में, 15. तो 5 × 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री. तो ये अपना आंसर हो गया. तो एस क्यू आर एंगल किसके बराबर आ गया, 75 डिग्री के, ठीक है. तो लीनियर पेयर एंगल आई होप क्लियर हो गया अपना. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल. 3rd टॉपिक इज वर्टिकली अपोजिट
एंगल। सबसे पहली बात कि ये किस में बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। क्या बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बनते हैं, पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में कहाँ बनते हैं वो समझते हैं। तो जैसे ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे ना, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल एंड और आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एंगल वन है, इसके अपोजिट क्या आ रहा है? टू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल वन किसके इक्वल होगा? एंगल टू के। और एंगल थ्री किसके बराबर होगा? एंगल फोर के। तो एंगल थ्री किसके बराबर होगा? एंगल फोर के। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैसे ये वाला 30 है, तो कौन सा वाला 30 होगा? इसके जस्ट अपोजिट वाला। तो इसके अपोजिट क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है, तो ये भी 30 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल वन एंड एंगल टू क्या है? इक्वल है। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब बात क्या आती है कि अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें मार्क कर देते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 1 के अपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है? 5। तो एंगल 1 किसके बराबर आएगा? 5 के, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या आ रहा है? 6। सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, तो एंगल 2 के बराबर क्या आएगा? 6। 3 के बराबर 7। अपोजिट देखना है बस। 8 के अपोजिट 4, तो 4 के अपोजिट 8। क्यों होंगे ये सारे इक्वल? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब अपन एक चीज देखते हैं, क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या हो रही है? बेंट हो रही है। लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए, बेंट नहीं होनी चाहिए। अगर बेंट होगी तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट जा रही है ना लाइंस, तो यहाँ पे तो हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। जहाँ पे लाइन बेंट करेगी वहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आपको? इसका प्रूफ देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का। प्रूफ ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन ली, यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर लिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। अच्छा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो, तो ये स्ट्रेट लाइन ले, ये वाली एंगल 1 और एंगल, अब इस पे कौन से दो एंगल लाई कर रहे हैं? 1 एंड 4। तो मैं 1 और 4 ले रही हूँ, आप 2 एंड 3 भी ले सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? लीनियर पेयर एंगल है, तो लीनियर पेयर। अच्छा फिर अब दूसरी लाइन लेते हैं, ये वाली ले लें,
इस पे कौन सा दो एंगल लाए कर रहे हैं, वन एंड टू और थ्री एंड फोर, तो कोई सा भी एक एंगल ले लो आप। मैं वन एंड टू ले रही हूँ, तो एंगल वन प्लस एंगल टू भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि वो भी लीनियर पेयर ही है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो सब 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो एंगल, ये जो इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू होगा, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू। क्लियर है? अब ये एंगल वन प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो एंगल वन माइनस एंगल वन प्लस एंगल फोर इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा। तो ये वन से वन, एंगल वन से एंगल वन कैंसिल, तो अपना किसके बराबर आ जाएगा, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल थ्री हो जाएगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये तो बोलते हैं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री और एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा, तो दैट इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे ही, सो दैट क्लियर हो जाए। जैसे कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसकी ये एंगल दे रखा है हमें 40। फाइंड अदर एंगल्स, फाइंड अदर एंगल्स। ठीक है, अच्छा ये 40 तो कौन सा 40 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एंगल 140 है, तो एंगल 4 भी क्या होगा, 40 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 40। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही होगा। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कौन से दो एंगल लाए कर रहे हैं, 40 एंड ये एंगल 1 और एंगल 3, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, यही होगा। और एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 40, तो 40 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 40, तो एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस 40 140 के। अब ये एंगल 1, ये 180 एंगल 3 140 आ गया, तो एंगल 2 भी कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। क्यों? लीनियर, वो सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 140, और ये क्या आ गया अपना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमारे सारे एंगल्स निकल गए। ठीक है, सो लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट और एडजेसेंट एंगल आज पढ़े हैं हमने। आप प्लीज़ इसको रिवाइज करिएगा और इसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो। ठीक है, और अपनी रीजनिंग हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और एंगल सेटअप पॉइंट के बारे में। ओके, थैंक यू।